Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we have done exercise 1.2, question number 1 and 2. So today we will start from question number 3. Question number 3 is, write P for proper fraction and I for improper fractions. Means जो fraction दिए गए हैं उनमें हमें देखना है कि जो proper है उनमें P लिखना है और जो improper fractions हैं उनमें I लिखना है. अब हम पहले ये देखेंगे proper fraction और improper fractions क्या होते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर का नंबर जैसे डिनोमिनेटर, जैसे सपोज हम लिखते हैं 3/12, तो हमारा 3 है इसमें न्यूमरेटर एंड 12 है हमारा डिनोमिनेटर. तो हम ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर है. तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉल होता है, मीन्स डिनोमिनेटर से छोटा नंबर होता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. और जब हमारा जैसे अब हम लिखेंगे 12/3, तो इसमें 12 हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर और 3 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर. तो जिन नंबर्स में जिन फ्रैक्शंस में ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा वो इम्प्रॉपर कहलाते हैं. मीन्स न्यूमरेटर में ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो छोटा एंड इम्प्रॉपर में ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए. तो अब हम फ्रैक्शन देखेंगे. नंबर है 3/10. अब हम देखेंगे न्यूमरेटर हमारा 3 है एंड डिनोमिनेटर हमारा 10, सो इसलिए ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. सो हम लिखेंगे इस पर P. नेक्स्ट है बी नंबर 4/19. इसमें हमारा न्यूमरेटर है 4 एंड डिनोमिनेटर इज 19, तो 4 19 से छोटा है इसमें, इट मीन्स ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो हम लिखेंगे इस पर P. नेक्स्ट नंबर सी इज 1/12. 1 न्यूमरेटर एंड 12 इज डिनोमिनेटर, तो 1 12 से छोटा है, मींस जो नंबर छोटा है न्यूमरेटर वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, इसलिए हम इस पर लिखेंगे P. नेक्स्ट नंबर डी इज 15/15. अब हम देखेंगे न्यूमरेटर भी 15 है डिनोमिनेटर भी 15 है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा प्रॉपर नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आता है. सो हम इसमें आई लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें 15 1 15 15 1 15 नंबर में बिकम 1, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. नेक्स्ट नंबर इज 9/3. 9 हमारा न्यूमरेटर है एंड 3 इज द डिनोमिनेटर. अब 9 हम देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा है और नीचे का डिनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो हम इसमें लिखेंगे I. नंबर F में हम देखेंगे 5/13. 5 न्यूमरेटर है एंड 13 हमारा डिनोमिनेटर है. अब हमारा 5 छोटा मीन्स न्यूमरेटर छोटा है और 13 डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो हम ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो हम लिखेंगे P. 13/12. 13 न्यूमरेटर है एंड 12 डिनोमिनेटर है. अब हम देखेंगे 12 से 13 हमारा बिगर नंबर है, मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है. जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हमारा वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर. सो हम यहाँ लिखेंगे I. नेक्स्ट नंबर H इज 9/4. 9 न्यूमरेटर है एंड 4 डिनोमिनेटर है. जब हमारा 9 जो हमारा न्यूमरेटर है वो बड़ा है इससे डिनोमिनेटर मीन्स 4 से, तो ये न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, मीन्स हमारे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो हम लिखेंगे I. सो स्टूडेंट्स, आप और भी इसी तरह से जो एक्स्ट्रा है रिमेनिंग नंबर है वो आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज सर्कल द बिगेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग. जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनमें जो बड़ा बिगेस्ट मीन्स बड़ा फ्रैक्शन होगा उसे हमें सर्कल करना है. नंबर ए 2/9, 7/9, 4/9. अब हम इसमें एक कॉमन चीज क्या देखेंगे कि जिन तीनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ भी 9 9 9, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है. अब तीनों में जो डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम नहीं देखेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ऊपर का नंबर मीन्स न्यूमरेटर ओनली देखेंगे. न्यूमरेटर है यहाँ पर 2 7 एंड 4. अब हम देखेंगे 2 7 एंड 4 में से, जैसे अब हमने लिखा 2 एंड
7 में से अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 2 एंड 7 में जो हमारा 7 नंबर बिगर होगा, तो हम 7 की तरफ साइन लगाएंगे। अब 7 और 4 में से अगर हम कंपेयर करें, 7 एंड 4 में से हम देखेंगे तो 7 नंबर बड़ा है। इट मीन्स दोनों में 7 नंबर बड़ा और 2 से भी 7 बड़ा है एंड 4 से भी 7 बड़ा है, तो हमारा नंबर बिगर नंबर कौन सा होगा? तीनों में बिगेस्ट नंबर 7/9। सो हम 7/9 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर बी पर, 3/11, 1/11 एंड 4/11। अब इनमें भी सेम डिनोमिनेटर 11, 11, 11 मींस ये टाइप फ्रैक्शन है। तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर किसको करेंगे? 3, 1 एंड 4 को। जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर में किया, 3 एंड 1 को पहले कंपेयर करें। 3 एंड 1 में से अगर हम देखेंगे तो 3 बिगर है, सो हम 3 की तरफ एरो लगा देंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 3 जो हमारा बिगर नंबर है वो, और नेक्स्ट नंबर हमारा 4। 3 एंड 4 को अगर हम कंपेयर करें तो 3 एंड 4 में से 4 नंबर बिगर है, सो हम देखेंगे 3 एंड 4 में से। अब हम इसको देखेंगे 3/11, 1/11 एंड 4/11 में से हमारा 4/11 बिगेस्ट है, सो हम 4/11 को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, उसे सर्कल करना है। नंबर इज 3/8, 6/8, 4/8। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन चीज है, जो डिनोमिनेटर ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर है, इसमें 3, 6 एंड 4, और डिनोमिनेटर जो तीनों में हम देखेंगे सेम है, 8, 8 एंड 8, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस है। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर सेम है तो उसे नहीं देखेंगे, ऑनली न्यूमरेटर को जब हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर देखते हैं। पहले हम कंपेयर करेंगे 3 एंड 6 को, ये हमारा 3 एंड 6। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, 3 एंड 6 में से कौन सा स्मॉल है? 3 एंड 6 में देखेंगे तो 3 स्मॉलर है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे 4 पर। अब हमारा जो 3 स्मॉलर नंबर है तो हम 3 लिखेंगे और नेक्स्ट 4 लिखेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे 3 एंड 4 को, 3 एंड 4 में से स्मॉलर नंबर है 3, सो हम 3 की तरफ एरो लगाएंगे। सो हम तीनों में से हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 3/8, सो हम सर्कल करेंगे 3/8 को। नेक्स्ट नंबर बी में आ जाएंगे 5/6, 6/6, 1/6। अब इनमें भी कॉमन चीज डिनोमिनेटर जो है, जब 6, 6 एंड 6 कॉमन है, मींस लाइक फ्रैक्शन है, और न्यूमरेटर 5, 6 एंड 1। अब हम पहले 5 एंड 6 को कंपेयर करेंगे, 5 एंड 6 इसमें से स्मॉलर नंबर दोनों में देखेंगे, 5 एंड 6 में से छोटा नंबर कौन सा है? 5, सो हम 5 की तरफ एरो लगा देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर हमारा 1 है। अब हम पहले 5 लिखेंगे देन 1 लिखेंगे। अब हम कंपेयर करें 5 एंड 1 में से, 5 एंड 1 में से स्मॉल नंबर कौन सा है? तो हमारा है 1, सो स्मॉलर है 1। अब तीनों में अगर हम देखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 1/6, सो हम 1/6 को सर्कल करेंगे। स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक।